हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? होप यू ऑल फाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो पहली दफ़ा जो है रात में आयरलैंड में सी साइड जा रहे हैं, बीच जा रहे हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊंगी वीडियोस वगैरह। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी और चलते हैं। ओके जी, हियर वी गो। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ ले साहब। और हम हमारे घर के पास यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत एक लेक है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको यहाँ कभी की सैर कराऊंगी। मैं जो हूँ डेली सुबह और दोपहर में सफ़र करती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों के स्कूल है और मैं उनको पैदल लेकर जाती हूँ और लेके आती हूँ वापस। यहाँ मेरी बेटी का स्कूल है अंदर जाके, एंड देन इसका उसको ड्रॉप करके फिर मैं आगे जाती हूँ। ये हमारा पूरा एरिया है अब, जहाँ अभी एक साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से हम एक एरिया से निकल के इधर आ जाते हैं मेन रोड पर। अच्छा वेदर था, आइलैंड में बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने सोचा आज अब निकलते हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाकर बच्चों को लेके निकलते हैं। कल संडे भी है तो अगर लेट भी हो गए तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। क्या हो गया? अब यहाँ हम सी साइड पे पहुँच गए हैं और अब हम हिल पर जा रहे हैं ऊपर, ताकि सनसेट को कैप्चर कर सकें, क्योंकि बस अब ना सूरज ग्रूब होने वाला है तो हम यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गए थे। ये देखें, सनसेट बिल्कुल होने वाला है। थोड़ा सा और पहले पहुँचते तो ज़रा सा नज़र आता। ये देखिए, यहाँ से परिंदे सब उड़ना शुरू हो गए, ये अपने घरों को सब जा रहे हैं। कहते हैं कि मगरिब होती है तो इस तरह से परिंदों का झुंड उड़ता हुआ बहुत नज़र आता है, क्योंकि वो सब अपने घरों को जाने लग जाते हैं। हमने तो बचपन से यही सुना है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम हिल पर ऊपर तक चढ़ गए थे ताकि ईज़िली वहाँ से सनसेट देख सकें। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा, यहाँ सूरज ग़ुरूब हुआ है, यहाँ पीछे बिल्कुल बस ग़ुरूब होने ही वाला है। ये देखें बिल्कुल सूरज जो है जा चुका है नीचे, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था, समंदर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये देखें सूरज जो है बिल्कुल मैं आँख के सामने जो है ये नीचे चला गया है। देखें बिल्कुल ही ग़ुरूब हो चुका है। आयरलैंड में यही इसकी खूबसूरती है कि इस तरह के हरियाली, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा लगता है। समंदर के किनारे बहुत ही खूबसूरत इस तरह का व्यू नज़र आता है, सुकून महसूस होता है कि आप जब ऐसी जगहों पे जाएं तो आपको बहुत रिलैक्स फील आता है। यहाँ देखिए यार, सूरज ग़ुरूब हुआ है और यहाँ है चाँद, जो शायद हमें कैप्चर नहीं हो रहा है इसके अंदर। ज़ूम करती हूँ लेकिन नहीं लगता। ये देखें ये मून है, ये यहाँ चांद है और यहाँ सन अभी सेट हुआ है।
फिर सनसेट के बाद हम लोग नीचे उतर के आ गए और यहाँ ये बीच है बिल्कुल, मगरिब हो गई है इसलिए पानी जो है लहरें साहिल समंदर से पत्थर पे आके बिल्कुल लग रही है, नहीं तो हम जब नॉर्मल दिन में जाते हैं तो यहाँ से पत्थरों के पास से नीचे उतर के जाते हैं और फिर काफ़ी आगे जाकर जो है पानी आता है, लेकिन अब मगरिब हो गई इसलिए पानी कहते हैं, मगरिब के वक्त ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है इसलिए पानी आके बिल्कुल यहाँ पत्थरों पे लग रहा है। पानी में समंदर में एक जलाल सा इस वक्त लगने लग जाता है क्योंकि पानी की लहरें ज़ोर से आने लग जाती है और आवाज़ भी बहुत ही इसमें तेज़ होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने खासकर खूब इंजॉय करा और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी पाकिस्तान में जो है रात में कभी गई हूँ, शायद ही एक दफ़ा गई हूँ शाम में इस तरह से जैसे हमने अभी सनसेट यहाँ देखा है। बस मुझे कैप्चर करना था वीडियो, आप लोग को दिखाना था, मैंने खुद भी नहीं देखा था और बच्चों को भी दिखाना था, इसलिए हमने प्लान किया और हम आ गए यहाँ। रास्ता है जहाँ से हम नीचे जाते हैं, बीच में जाते हैं और यहाँ से वो रास्ता जाता है, यहाँ से हम जाते हैं क्रॉस करके एंड देन नीचे हम बीच में जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पानी ऊपर आ रहा है क्योंकि एटलीस्ट मगरिब यहाँ हो चुकी है और ये देखिए और हम पीछे बैठे आ जाते आ जाते कमन 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 ये हमारे बच्चे थे पागल हुए बिल्कुल और इनको कंट्रोल करता है, शूज गीला हो जाएगा बेटा आपका, रुको बस यहाँ अब इसके बाद से जो है हल्के हल्के अंधेरा होना शुरू हो गया था, डार्क होने शुरू हो गया था क्योंकि मगरिब तो वैसी हो गई थी और ये जो है पानी ऊपर आना शुरू हो गया था, काफ़ी ऊपर आने लग गया था और बहुत ही हसीन ये जो व्यू लग रहा था इस वक्त समंदर का। और अब ये देखिए थोड़ी देर बाद और डार्क हो गया था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके बाद बस अब इतना डार्क होना शुरू हो गया था कि अब हम इसके बाद कैमरे से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, यानी इसके बाद जो है नहीं आ सकती थी वीडियो, बस इतना लिमिट हो गई थी अब जो है। और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत इस वक्त समंदर लग रहा था कि अगर इंसान को सुकून से यहाँ आकर बैठे या फिर वॉक करे तो बहुत ही अच्छा लगे। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए थे वॉक करने के लिए क्योंकि दूसरे दिन संडे था तो काफ़ी लोग यहाँ वॉक के लिए आए हुए थे क्योंकि मौसम सर्द रहता है, ठंडा होता है इसलिए रात को सर्दी हो जाती है, इसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, बस वॉक के लिए जो करीब के लोग होते हैं वॉक के लिए आ जाते हैं इधर। यहाँ देखिए अब हल्के हल्के काफ़ी बल्कि इस वक्त डार्क हो गया था, आसमान हल्का सा सफ़ेद है, देखिए लाली अभी भी नज़र आ रही है सूरज की और जो है उसकी किरणों की जो है रोशनी उसी की वजह से थोड़ा सा हम व्यू यहाँ कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद अब बिल्कुल डार्क हो गया था, हमने वापसी करी थी, यहाँ हम पोर्ट पे थोड़ी देर रुक गए थे बच्चों को बोट्स और शिप वगैरह दिखाने के लिए, इधर भी बहुत ही सुकून था, बहुत सारी बोट्स थी और शिप्स थी जो किनारे पे लगी हुई थी लेकिन बस इस तरह से मूव कर रही थी लहरों की वजह से, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख कर ये व्यू क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बोट्स यहाँ एक साथ जो है इस तरह से देखी थी, ये सब किनारे पर लगी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू भी। इसी के साथ ही जो है मैं अपनी वीडियो आज की एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।